हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों का 29 तारीख को पेपर है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हमने दे दी है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जाके देख लीजिएगा सर, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं माइकलसन मुरले एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए हर साल लगभग आ ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया। देखो भाई, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भैया पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक मीडियम है जिसे इन्होंने ईथर कहा, कि ईथर होता है यूनिवर्स के अंदर। हालांकि सरल भाषा में कहें तो कोई ईथर वगैरह नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट आगे चल के फेल हो गया। किस तरीके से ये लोग नहीं सिद्ध कर पाए कि ईथर होता है, उसकी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। बहुत आसान है, आराम से हम आपको समझा देंगे। जरा देखिए माइकलसन मुरले एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझिएगा। माइकलसन और मुरले के एक्सपेरिमेंट का सेटअप फिगर में दिखाया गया। पहले तो हम आपको इस फिगर को समझाते हैं, ध्यान से समझिए। ये है वो फिगर, होगा क्या मेरे भाई, ध्यान से समझिए। ये जो पूरा सेटअप है ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब मूव कर रहा है तो यहां सोर्स है, सोर्स से लाइट आएगी, ठीक है। यहां पर क्या रखा हुआ है, एक प्लेट रखी हुई है। कैसी है, हाफ सिल्वर्ड है, यानी इस पे चांदी की आधी पॉलिश होगी। होगा क्या, कुछ प्रकाश जो यहां से प्रकाश किरण आ रही है ये दो भागों में बट जाएगी। एक भाग इधर चला गया, देखिए वन लिखा हुआ है, दूसरा भाग मेरे भाई इधर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा भाग इधर चला जाएगा, टकरा के यहां पर एक रखा हुआ मिरर, उससे ये वापस आ जाएगी। इधर भी एक मिरर रखा हुआ है जिससे ये वापस आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर सर जी ये क्या है, ये डैश डैश क्या है, ये सारी चीजें क्या है। रियलिटी है जब ये मोशन में है और पृथ्वी भी गति कर रही है ना, तो होगा क्या, जैसे देखा होगा आपने बॉल ऐसे करके उछालते हैं, लेकिन मान हम लोग ट्रेन में खड़े हुए ऐसे करके बॉल उछाली तो क्या होगा मेरे भाई, हमें तो लग रहा है कि बॉल सीधे आ रही है, लेकिन अगर कोई सामने से देखे तो मेरे भाई क्या, बॉल उछाली फिर आगे जाके पकड़ी ना, बॉल उछाली आगे जाके। तो ये जो किरण है लग रहा है कि टकरा के यहां से आएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये यहां जाके और ऐसे करके वापस आएगी। तब तक ये पूरा सेटअप वहां पे पहुंच चुका होगा सर, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पूरा सेटअप है, जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है आपको, वो थोड़ी देर के बाद जब मूव करके आगे पहुंच जाएगा वहां का सेटअप है सर, ठीक है। बहुत आसान है, हम लोग करेंगे क्या, जो इधर वाली वेव जो मतलब रे है ट्रेवल कर रही है, इसका समय निकाल लेंगे, ऊपर वाले का समय निकाल लेंगे, दोनों का समय देखेंगे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। और सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि जो मीडियम है वो ईथर होता है। एक यहां पे टेलीस्कोप होगा, आप देखिए किसे, बिल्कुल आसान है, कैसे लिखेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, आराम से समझिए। ये देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एस से आने वाली लाइट बीम 45 डिग्री पर झुकी हुई हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर पड़ती है। लो भैया ये सोर्स है, सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसका फेज डिफरेंस जीरो होता, कलांतर जीरो होता मेरे भाई से, ठीक है। तो कितने 45 डिग्री पर ये रखी हुई है हाफ सिल्वर, इस पर आकर टकरा रही है, और कितने भागों में जा रही है, दो, एक तो रिफ्लेक्शन होके ऊपर यानी परावर्तन हो रहा है, एक अपवर्तन हो रहा है और आगे चली जा रही है दूसरे नंबर के रूप में, ठीक है। तो यहां पर लिखा है पड़ता है, जो इसे दो सेम इंटेंसिटी के भागों में डिवाइड कर देता है, यानी दो भागों में ये बट जाती है। प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर प्लेन मिरर M1 पर पड़ता है, यानी टकराती है, परावर्तित होकर ऊपर चली जाती है, जबकि भाग दो रिफ्रेक्ट होकर M2 पे चला जाता है। मिरर M1 और M2 प्लेट से बराबर दूरी पर रखे हुए हैं, प्लेट से जितनी दूरी पर ऊपर वाला M1 है उतनी ही दूरी पर M2 भी रखा हुआ है। दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट पुनः प्लेट P पर वापस आती है, टेलीस्कोप पर पहुंचती है, जिससे इंटरफियरेंस फ्रिंजेस देखी जा सकती है, ठीक है भाई। लाइट आई, टकराई, दो भागों में बटी, परावर्तन होके M1 की तरफ गई, अपवर्तन होके M2 की तरफ गई, दोनों सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, वापस आई, और वापस आने के बाद फ्रिंजेस बनी जो हमें टेलीस्कोप की सहायता से दिखाई देंगी, ठीक। यदि यह संपूर्ण उपकरण ईथर में रेस्ट स्टेट में हो, ईथर के अंदर रखा हो, देखिए सिद्ध करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो लाइट बीम के दोनों पार्ट पी तक लौटकर आने में बराबर समय लेते, परंतु अर्थ आकाश में ईथर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, पृथ्वी घूम रही है मेरे भाई, इस वजह से यह संपूर्ण उपकरण भी ईथर के साथ में मूव कर रहा है। इस मोशन के कारण दोनों लाइट बीम्स 1/2 मिनट तक जाने में पी तक समय बराबर नहीं होंगे। कुछ लोग कहेंगे जब यह दूरी सेम है, सारी चीजें सेम है, तो फिर भैया किरणें आने जाने में टाइम भी बराबर लगना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भैया पृथ्वी घूम रही है ईथर के अंदर, आकाश के अंदर जो मीडियम है वो ईथर है और घूम रही है, तो इसका मतलब ये दोनों समय बराबर नहीं होंगे, ऐसा ये मान के चल रहे हैं सर, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, ये मान लिया। अब क्या किया भाई,
अब निकालेंगे समय, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज शिफ्ट जो हो रही है वो कैसे निकलेंगी जरा देखना। तो माना कि ईथर में वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश जो चल रहा है वो सी से चल रहा है। अब सब लोग ध्यान से समझना, यहीं पर समझने का खेल है। जरा देखिए, जो प्रकाश चल रहा है वो किससे चल रहा है, सी से चल रहा है मेरे भाई। सब लोग देखना यहाँ पे, ये देखिए सी है प्रकाश की लाइट, और यहां पे हमने देखिए लिख रखा है वी। ये वी क्या है, ये मान लिया पृथ्वी की वेलोसिटी है, पृथ्वी घूम रही है। तो अगर बाई चांस जो लाइट उधर जा रही है मेरे भाई, अगर बाई चांस हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या हम ट्रेन में भी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं सर, ठीक है, चलो मान लिया नाव में जा रहे हैं, ठीक है, अब नाव के अंदर हम बैठे हुए हैं और नाव में पानी का बहाव भी है, तो मेरी स्पीड, हम तो चला ही रहे नाव को, लेकिन साथ में वो स्पीड भी तो जुड़ जाएगी जो पानी का बहाव है। तो भैया ये सी लाइट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, सी है, प्रकाश की चाल तो सी है, लेकिन मेरे भाई पृथ्वी भी तो घूम रही है, तो जो उधर की लाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, सी प्लस वी हो जाएगी, टोटल स्पीड जो है। और जब वापस आएगी किरण तो भैया इसकी लाइट कितनी हुई, लेकिन पृथ्वी सीधा घूम रही है, तो इतनी स्पीड कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है मेरा भाई, अगर बाई चांस नाव चल रही है, संग में पानी का बहाव भी है, नाव की स्पीड 5 और पानी का बहाव भी मान लिया जो है 5 है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। लेकिन अब नाव चला रहे हैं हम उल्टी और पानी का बहाव है उधर, तो माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, सी प्लस पृथ्वी भी संग में मूव कर रही है, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, सी प्लस बी। ऐसे टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, सी माइनस बी, जब किरण वापस आएगी तब। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, बिल्कुल आसान है। फार्मूला लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। सर जी ये एल क्या है, जो मिरर M1 और M2 तक की दूरी है वो हम एल मान रखे हैं, ठीक है सर। तो एल अपॉन सी माइनस बी प्लस एल अपॉन सी प्लस बी, टोटल टाइम इतना ही लगेगा मेरे भाई जाने में और आने में, टोटल टाइम। तो अब क्या किया, यहां एलसीएम लिया, काटा पीटा, सी यहां से कॉमन लिया, इसे ले गए ऊपर, माइनस के बन पावर हो गई। आपने द्विपद की प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी हुई है, फाइनल ईयर में हो सर आप, माइनस बन आएगा आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, ठीक, बन माइनस मन माइनस एक्स की पावर एन में क्या होता है, एन आगे ले आते हैं ना, तो कुल मिला के जब पावर बहुत छोटी छोटी होती है तो बाकी टर्म छोड़ देते हैं, सिर्फ फैक्टोरियल वन तक लेते हैं, तो इसे आगे ले आएंगे। ये हो गया, और करा यहां से कॉमन वगैरह लिया, सारी चीजें करी और अपने पास T2 का मान आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यानी अपने पास आने जाने वाला जो समय है वो निकल आया है। अब हम ऊपर नीचे वाला समय निकालेंगे, जरा ध्यान से समझिए, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये वाला टाइम निकाल लिया है, अब हम लोग ये वाला टाइम निकालेंगे, देखना भैया कैसे निकालेंगे। हमने फिर लिखा मेरे भाई, पृथ्वी की गति के कारण लाइट बीम एल मिरर M1 के पॉइंट ए पर ना पड़कर ए डैश पर पड़ती है। यही हम आपको बता रहे थे कि भैया पृथ्वी कर रही है मोशन, तो लाइट ऐसा लगेगा जरूर ऊपर गई, लेकिन तब तक गति हो जाएगी, पृथ्वी घूम जाएगी, तो लाइट कुछ इस तरीके से टकराएगी और वापस आएगी, तो लेकिन गति इधर की तरफ पृथ्वी कर रही है, तो यहां पर केवल प्रकाश की जो चाल है वो सी ही रहेगी, यहां पर ना तो जुड़ेगी ना घटेगी, क्योंकि पृथ्वी इधर चल रही है, लाइट अपनी ऊपर जा रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर की तरफ चाल जो है वो सी ही रहेगी, ठीक है भाई। तो हमने क्या लिख दिया, पृथ्वी के मोशन के कारण लाइट बीम मिरर M1 के पॉइंट ए पर ना पड़कर ए डैश पर पड़ेगी, क्योंकि इस बीच दर्पण M1 से आगे बढ़कर मूव कर कहां पहुंच जाएगा, M1 डैश पर पहुंच जाएगा। यदि इस बीम द्वारा P से A डैश तक आने में समय T हो, तो भैया क्या हो जाएगा, P A डैश बराबर CT, वही चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भैया चाल कितनी हो गई, C हो गई प्रकाश की चाल। सर जी इसमें B प्लस या माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि पृथ्वी इधर चल रही है, हम लोग ऊपर चल रहे हैं, तो यहां पे पृथ्वी की गति से कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर जाएगी वापस आएगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने ये वाली दूरी निकाल ली ऊपर वाली, ठीक भाई, दूरी निकाल ली। दूरी निकालने के बाद इस समय मिरर M1 द्वारा चली गई डिस्टेंस VT होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भैया चाल कितनी हो गई, V हो गई, समय कितना हो गया, T हो गया, अर्थात AA डैश बराबर BT हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दूरी लो समझो ये वाली, क्योंकि पृथ्वी के साथ ये पूरा मूव कर रहा है, तो A से लेकर A डैश तक कितनी हो जाएगी दूरी, BT हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के साथ चल रहा ना, और पृथ्वी की वेलोसिटी कितनी मान रखी है, V, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो V, और इनटू में टाइम कितना मान लिया, T, तो A डैश दूरी कितनी हो जाएगी, VT हो जाएगी। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहां पे चाल कितनी होगी, प्रकाश की चाल सी होगी मेरे भाई, तो सी इंटू टी मान लिया, दोनों मान निकल आए। चित्र से भैया पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी टेढ़ी का स्क्वायर बराबर खड़ी स्क्वायर प्लस पड़ी स्क्वायर, लो लगा दिया। PA डैश का मान अभी निकाला, नहीं समझ में आ रहा तो लो जो देखो फिर से चित्र, इस वाली का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर, लो यहां पे तो बता दे रहे, वरना लोग कहेंगे सर जी क्या बता रहे, लो ये इस वाले का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही तो होगा,
और इसका मान हमें पता है, इसका मान भी पता है, दोनों का मान रख देंगे और ये वाला टाइम भी हम लोग निकाल लेंगे। लो देखो भाई, मान रख दिया यहां पे, देखिए सर, तो ये देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों का हमने मान रख दिया, इसे हल किया और टी का मान निकाल लिया, लेकिन लाइट बीम एल द्वारा जाएगी और वापस आएगी, तो ये सिर्फ जाने वाली निकली है ना, दूरी गई और वापस आई, तो जाने में टी, आने में टी, तो टी और टी क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा मेरे भाई, तो इसकी टू से मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो ये ऊपर नीचे वाला टाइम भी निकल आया। इतना तो समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, बिल्कुल आसान है, आप फाइनल ईयर में हो। सबसे पहले ऐसे ऐसे वाला टाइम निकाल लिया जो किरण गई थी M2 तक, और फिर ऐसे ऐसे वाला टाइम निकाल लिया M1 तक। अब कह रहे हैं कि टाइम बराबर होना चाहिए, लेकिन इनमें डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस, अगर इन्होंने कहा अगर ईथर मीडियम है तो इनमें डिफरेंस होगा, क्योंकि दूरी सेम है, टाइम बराबर होना चाहिए हम लोगों को भी लग रहा है, लेकिन इन्होंने कहा अगर बीच में मीडियम है तो मेरे भाई फिर दिक्कत होगी, और दोनों दूरियां जो टाइम है वो दोनों सेम नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, इन्होंने मान रखा है, तो इन्होंने क्या किया भैया, एक में से दूसरे को घटा दिया, इन्होंने कहा भाई इतना डिफरेंस आएगा, T2 में से T1 को घटा दिया, इन्होंने कहा ये जो है वो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। लाइट की वेवलेंथ के टर्म में टाइम इंटरवल को पाथ डिफरेंस बना सकते हैं, जब टाइम की गुणा कर देते हैं चाल से, वही चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वो बन जाती है दूरी यानी पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा, ये बन गया मेरे भाई, यहां से हमने एन का मान निकाल लिया, ये है, और फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट इतना निकल के इन्होंने निकाल दिया। लेकिन फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट को घुमाया 90 डिग्री पे, फिर चेक किया तो फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब भैया साइड बात है मीडियम है, सारी चीजें हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये घुमाते रहे, बहुत सारे प्रयोग करते रहे, बहुत सारी चीजों के लिए करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, और आखिरी में ये नहीं सिद्ध कर पाए कि ईथर मीडियम होता है। सेटअप को 90 डिग्री घुमाने पर फ्रिंजेस में कोई डिस्प्लेसमेंट प्राप्त नहीं होता, अतः ईथर का डिटेक्शन नहीं किया जा सकता, और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अतः ईथर स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई, तो ये लोग मान के चले, इन्होंने निकाली, सारी चीजें हुई, लेकिन जब सेटअप को घुमाया, सारी चीजें करी, तो ये संतुष्ट नहीं कर पाए ओवरऑल। ठीक है, और ये पूरा अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, बाद में बहुत सारी चीजें हुई, और भी कई साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने चर्चा करी, लेकिन ओवरऑल बात यही है कि ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ईथर जो है स्पेस में पाया जाता है। बिल्कुल आसान है, 10 नंबर में ये लॉन्ग में पेपर में आएगा। देखो भाई, मेहनत कर लो थोड़ी सी, और इतनी ज्यादा ऑडियंस बीएससी फाइनल ईयर वाली अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी 10 लोग भी देख रहे हैं, 20 लोग भी देख रहे हैं, पर्याप्त है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया है, वहां पर हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बना दिए हैं, मन लगा के पढ़िए। बाकी मॉडल पेपर पूरा एक बार अंधाधुंध तरीके से पढ़ के पेपर दे आइए, इसकी पीडीएफ जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए BDKDNBSC। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और कुछ बहुत कठिन लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू भाई।